हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने रैबिटों को और रैबिट के जो छोटे बच्चे थे उनको मैं बाहर निकाल दी हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इन रैबिट को। देखिए दोस्तों, इनको हम हरी घास से डाली हूँ और ये खा रहे हैं। और वहाँ पर मैं इनके लिए पानी भी रखे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे रैबिट के जो बच्चे हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों सोए हुए हैं। और दोस्तों देखिए, एक यहाँ पर रैबिट मेल फीमेल रैबिट है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे हरी घास से खा रहा है। दोस्तों जो इस बच्चे की ये टांगे हैं, दोस्तों ये टांगे इसकी अजीब हो गई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये कैसे बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसकी जो ये पीछे वाली टांगे हैं ये दोस्तों, और इस बच्चे को देखिए दोस्तों ये कैसे बैठा हुआ है। और इस बच्चे को हमको पता नहीं लग रहा है दोस्तों ये कैसे हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों सभी रैबिट वो मज़े कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी वजीस और फिंच को भी आपको दिखाएंगे, और जो मेरे दो मेल रैबिट हैं उनको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैं उन्हें भी अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें मेरा वाइट वाला मेल रैबिट है। देखिए दोस्तों, मैं इसे भी हरी घास से डाली हूँ और खा रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं इन्हें हरी घास से डाली हूँ। और दोस्तों मैं शाम को इन्हें रोटी डाली थी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, नहीं खाए हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं, और दोस्तों कल शाम को मेरे दोनों मेल रैबिट अपने में झगड़े कर लिए थे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो वाइट वाले मेल रैबिट है उसकी थोड़ी सी उसके जो कान है दोस्तों वहाँ पर ब्लैक वाला जो रैबिट है वो काट लिया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे उसके कान पे खून लगा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों इतना इसके कान को काट लिया है, और मैं उसे भी अभी दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काटता है, हमको नहीं करता है दोस्तों। ये दोनों जब बाहर निकल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं दोस्तों। ये सेफ है, इसे कहीं वो वाला वाइट वाले रैबिट नहीं काटा है, लेकिन ये वाला दोस्तों मेरे वाइट वाले मेल रैबिट को काट दिया है। ये आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं दोनों को अलग अलग पिंजरे में बंद रखी हूँ। और दोस्तों देखिए, ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पर मेरी एक फीमेल रैबिट और एक और रैबिट है, दोनों इस मिट्टी पर सोए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं अभी फिंच और
बजीज को भी दिखाऊंगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बजीज बैठे हुए हैं और मैं इन्हें दाने और पानी अभी तुरंत डाली हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों देखिए इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दोस्तों अभी तो सुबह का टाइम है, थोड़ा कम गर्मी है। दोस्तों दोपहर में ये भी, इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे फिंच हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोस्तों मैं इन्हें भी दाने और पानी डाल दी हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हें, दोस्तों तो दोस्तों इनमें थोड़ा कम दाने हैं क्योंकि दोस्तों ये दाने को इधर उधर गिरा देते हैं, तो मैं इनमें थोड़ी कम दाने डालती हूँ। फिर खा जाते हैं तो हम इन्हें और दाने डाल देती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे रैबिटों को। दोस्तों एक बच्चा यहाँ पे आया है, देखिए दोस्तों इस बच्चे को कितना क्यूट लग रहा है। दोस्तों तो बहुत क्यूट बच्चा है, तो मैं इन्हें बाहर ले चलती हूँ क्योंकि इनके लिए मैं हरी घास बाहर डाली हूँ, तो मैं इन्हें बाहर लेकर चलती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चे सोए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं हरी घास इनके लिए डाली गई हूँ। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिससे और भी दोस्त देख सकें।